हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गार्डनिंग टिप्स विद शिवांश। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट माय लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा डबल पेटल हिबिस्कस का प्लांट और आज हम देखने वाले हैं कि इस पर हमें रूट प्रूनिंग कैसे करनी है, क्योंकि हम जो है प्रूनिंग के बारे में तो जानते हैं और प्रूनिंग जो है बहुत ही आसान है क्योंकि प्लांट्स की हम ऊपर से नॉर्मली टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग करते रहते हैं। बट रूट प्रूनिंग क्या होती है? रूट प्रूनिंग जब कोई भी प्लांट एक लिमिटेड स्पेस में लगा होता है तो वो जो है उसकी रूट्स जो है उस स्पेस में बाउंड हो जाती हैं और जो हमारा प्लांट होता है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। तो इसलिए जो है हमको कम से कम साल में एक बार ही जो है उस प्लांट की रूट प्रूनिंग करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि वो जो प्लांट है उसी पॉट में लगा रहे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा डबल हिबिस्कस का प्लांट है और इसकी आज जो है हम रूट प्रूनिंग करने वाले हैं। तो ये जो टाइम है फ्रेंड्स, फरवरी से लेके मार्च का, इस टाइम पे आप जो है इस प्लांट की किसी भी कोई भी प्लांट हो जो आपको लगता है कि उसकी रूट बाउंड हो चुकी है उसकी, आप जो है इस समय रूट प्रूनिंग कर सकते हैं और उसको दोबारा से उसी सेम गमले में आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए, आज जो है मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने जो है इस प्लांट की कुछ टाइम पहले, करीब 20-25 दिन पहले इसकी प्रूनिंग भी कर दी थी। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी और इसमें जो है अभी न्यू शूट्स निकलना शुरू हो गई है। तो जब भी आप इसकी रूट प्रूनिंग करें तो हमेशा आप दोनों चीज़ें एक साथ मत करें, उससे क्या होगा कि प्लांट जो है आपको शॉक में आ जाएगा। तो अगर आप जैसे उसकी प्लांट की प्रूनिंग कर रहे हैं तो रूट प्रूनिंग करने से पहले आप जो है उसकी प्रूनिंग कम से कम 10 से 15 दिन पहले उसकी प्रूनिंग कर दें ताकि जो प्लांट है वो शॉक में ना आए। क्योंकि जब हम एकदम से उसकी प्रूनिंग करेंगे ऊपर से भी और नीचे से भी रूट प्रूनिंग, तो हो सकता है आपका प्लांट जो है वो शॉक में आ सकता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरा प्लांट है एक छोटी सी बकेट में लगा हुआ था ये, और अभी आप देख सकते हैं इसकी जो रूट्स है ये ऐसे बाहर भी दिखना शुरू हो गई हैं। ये देखिए, 10 इंच की ये बकेट है और ये बकेट भी बिल्कुल अब टूट चुकी है, जैसे आप देख सकते हैं ये क्रैक आ रहे हैं इसमें। ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसे टूटी हुई है। इसकी जो रूट्स है बहुत ही जल्दी ग्रो करती हैं और इसकी जो और बहुत ही जल्दी ये जो प्लांट है वो रूट बाउंड हो जाता है। हर साल जो है एक बार इसकी जो रूट प्रूनिंग है वो आपको करनी चाहिए और ये जो टाइम है बहुत ही बेस्ट टाइम है फ्रेंड्स इसकी रूट प्रूनिंग के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी रूट्स को। तो इसको आपको कैसे निकालना है इस पॉट में से, यहाँ से इसे पकड़ लीजिए और इसको ऐसे ऐसे हाथ की मदद से या फिर किसी लकड़ी की मदद से पुश करिए। तो ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो रूट्स हैं कितनी रूट बाउंड हो चुकी थी, और नीचे से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए इसकी रूट्स बिल्कुल, इसमें जो है जंगल नहीं बची थी। देख सकते हैं इसकी जो वाइट रूट्स हैं, इससे हमको पता लगता है कि ये जो प्लांट है वो काफ़ी हेल्दी प्लांट है। तो इसकी आज हम रूट प्रूनिंग करेंगे, वो फ्रेंड्स आपको कैसे करनी है ये देखिए। आपको क्या करना है, सिंपली आप जो है कोई भी कटर या फिर कोई भी नाइफ या फिर कोई भी आप ब्लेड ले सकते हैं और इसकी जो रूट्स हैं उनको आपको जो है ऐसे ये तोड़ते जाना है। ये देखिए, ये देखिए ये कितनी ऐसे रूट्स का इसमें एक काफ़ी जाला सा हो गया था। तो ये देखिए, इनको सिंपली ऐसे आपको रिमूव कर देना है। ये देखिए, तो जो है इस खुरपी की मदद से इसकी जो रूट्स हैं इनको ऐसे हाफ कट करते जाऊंगा। तो इसकी रूट्स हैं इनको ऐसे आपको तोड़ते जाना है। जैसे हमने इसकी जो रूट्स है इसको आधा कट कर लिया और ये देखिए, जैसे इसकी जो ये टैप रूट है अगर ये भी कट जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और ऐसी जो है अब हम इसकी साइडों से थोड़ी थोड़ी सी वो कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे जो है अब हम इसकी साइडों से थोड़ी थोड़ी रूट प्रूनिंग कर देंगे। पर आपको जो है यहाँ से
कभी भी इसकी रूट प्रूनिंग नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी मेन स्टेम है, मेन स्टेम के पास से कभी भी इसकी रूट प्रूनिंग नहीं करनी है आपको। और रूट प्रूनिंग करते वक्त आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि प्लांट जो है आपका बहुत ही जल्दी जो है अपनी दोबारा से न्यू ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। क्योंकि अगर आप इसकी रूट प्रूनिंग नहीं करते तो आपका प्लांट जो है ग्रो नहीं कर पाता, और इसमें जो है फ्लावरिंग वगैरह और जो भी न्यू ग्रोथ है इसमें स्टार्ट नहीं हो पाती। तो ये जो काम था बहुत ही ज़रूरी था। तो ये देखिए अब ये ऐसे इसकी रूट प्रूनिंग कर दी है। रूट प्रूनिंग के बाद में ये कुछ इतनी सी इसकी वो बची है, और अब जो है हम इसको लगाते हैं। और अब जो है मैं इसको रूट प्रूनिंग करने के बाद में इसको एक 12 इंच के पॉट में लगाऊंगा। तो ये मेरा 12 इंच का पॉट है, और इसके लिए जो है मैंने सॉइल पहले से ही प्रिपेयर करके रखी है। तो इसकी सॉइल के लिए आपको क्या करना है, अपना एक हिस्सा आप इसमें गार्डन सॉइल ले सकते हैं, और एक हिस्सा जो है आप इसमें अपनी गोबर वाली खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, और एक हिस्सा जो है आप इसमें रिवर सैंड मिला के इसकी पॉटिंग मिक्स आप अच्छे से इजीली बना सकते हैं। तो इस पॉटिंग मिक्स में अब जो है मैं इस प्लांट को लगाऊंगा। तो लगाने के लिए दो ड्रेनेज होल कर लेने हैं, जिससे जो आपका एक्स्ट्रा ड्रेनेज वाटर है वो आपका पास आउट हो जाएगा। तो ये देखिए सबसे पहले जो है हम इन ड्रेनेज होल पे ऐसे इन ऐसे ड्रेनेज होल पे हमने ये पत्थर के टुकड़े रख लिए, और अब जो है हम इसको सॉइल से कवर अप करेंगे। ये देखिए, और ये देखिए अब मैंने जो है इसको पूरा ऐसे कवर अप कर दिया, और इसको हल्का सा दबा दूंगा ताकि जितनी भी इसमें एयर स्पेस हो वो फिल आउट हो जाए। अब जो है मैंने इसको प्लेस कर दिया इसमें, और अब मैं इसको सीधा मिट्टी से भर दूंगा। तो फ्रेंड्स अब जो है मैंने इस प्लांट को रिपॉट कर लिया है, और रिपॉटिंग करने के बाद जो है आपको हमेशा इसमें पानी डालना है ताकि इसकी जो रूट्स हैं अच्छे से सेट हो जाएं, और जो प्लांट है वो आपका शॉप में ना आए। और ये देखिए, और इसको रिपॉटिंग करने के बाद आपको 3 से 4 दिन इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इसको पार्शियल सनलाइट मिले। डायरेक्ट इसको सनलाइट में नहीं रखना है, नहीं तो आपका जो प्लांट है वो और भी ज़्यादा शॉक में आ सकता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय चैनल। थैंक यू।